तो दोस्तों मैं बहुत स्कैम्स के बारे में बात करते रहता हूँ और कहता हूँ कि आप लोग सिक्योर रहिए ऑनलाइन या फिर सिक्योर रहिए अपने आसपास। जो हमेशा मैं अपनी लास्ट जो लाइन है उस पर कहता हूँ, स्टे अलर्ट स्टे सेफ सिया। तो ये लाइन का मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होना चाहिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे कुछ मैसेज मिला है व्हाट्सएप में और इतना बड़ा स्कैम हमें मिला है तो कि जो कि बिल्कुल KBC की है दोस्तों। तो इस वीडियो को देखते रहिए, आपको पता चलेगा आपको कैसे बचना है और क्या क्या चीज़ें आपको बहुत ध्यान में देनी। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि KBC, कौन बनेगा करोड़पति वगैरह, ये सब की जो स्कैम्स है ये बहुत दिनों से चली आ रही है। पहले तो अभी कॉल करके हम लोग को बोलते थे, वाया ईमेल्स आती थी। तो दोस्तों कल मुझे एक जो है ना व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मैसेज के साथ एक पिक्चर आया, पिक्चर और एक ऑडियो फाइल आया। तो वो जो ऑडियो फाइल है ना बहुत ही मतलब टेम्पटिंग वाला ऑडियो फाइल था, जिसको आप सुन के कोई भी नॉर्मल आदमी जो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा रिलेशन नहीं रखता हो वो बहुत ही आसानी से उसकी जो जाल में फंस जाएगा। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, फुल वीडियो को देखना, तो आपको पता चलेगा कैसे आपके साथ ऐसे स्कैम्स जो हो सकती है आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ हो सकती है, इससे कैसे बचे और कैसे आपको इसको जो है हैंडल करना है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जो है जैसे कि KBC हो गए, सोनी हो गए, उन लोगों के नाम को लेकर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहे हैं जो स्कैमर्स वगैरह है। तो ऐसे में आप लोग को ज़रूर से ज़रूर, अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं कोई, जैसे कि आप लोग घर के लोग जो है वो शॉप CJ, होम शॉप, इन सब साइट से जब ऑर्डर प्लेस करते हैं, तब ऑर्डर प्लेस करने के बाद उनके डेटाबेस में जो है हमारी डिटेल्स सेव हो जाती है। तो इस तरीके से जो है ना उन लोग उस डेटाबेस से हम लोग की सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि क्या हम लोगों ने बाई किया था, कितने आइटम्स जो है हम लोगों ने लिए थे और क्या कितनी उसकी अमाउंट थी। तो उसके बेसिस पे हम लोग को जो है कॉल आता था कि आपने ये चीज़ ख़रीदा है, तो आप लोग समझते थे हाँ हमने तो ख़रीदा था, तो वो ऑफिशियली जो है आपको कॉल करके रिवार्ड देना चाहते कि आपने लॉटरी जीत लिया है वगैरह वगैरह। तो ये सब स्कैम से बिल्कुल ही दूर रहिए, ऐसा कुछ कोई लॉटरी देगा नहीं, कोई कंपनी आपको आके नहीं बोलेगा कि मुझे इतना पेमेंट जो है मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो वगैरह वगैरह। तो दोस्तों मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप की वो मैसेज जो मैंने रिसीव की थी 2 दिन पहले, जो बहुत ही गंदी तरीके की मैसेज है, बहुत ही गंदी तरीके की मैसेज है, जो जिसकी हाइट जो है बहुत ही ख़राब है। तो चलिए मैं कंप्यूटर पर ले जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या आप लोग को यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये रहा नंबर, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ, 6001960973। ये जो नंबर है इससे मैसेज आया है, तो अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ पूरा स्क्रीनशॉट और इसके व्हाट्सएप की पूरी जो लाइव फीड है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप इसके जो प्रोफाइल पिक्चर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोफाइल पिक्चर है इस पे आप लोग को एडिटिंग दिखाई देगा, बहुत ही बुरी तरीके की एडिटिंग, जो 2019 है फ्रेशली एडिट करके लिखा गया है और करोड़पति की जो लोगो है वो यूज़ की गई है। तो अभी आप सोचिए अगर एक नॉर्मल पर्सन होता है, नॉर्मल पर्सन जो कि जैसे कि आप लोग घर में बहुत ही जो एजेड आदमी लोग होते हैं, तो पेरेंट्स हैं आप लोग की जो उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये इंडिया है बॉस, यहाँ पे पहले टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी कि सबको पता होगा। तो ये सब देखकर आप अगर घर पे एक फ़ोन दे देते हो और व्हाट्सएप चलाने के लिए बोलते हो, तो कोई ऐसा जो मैसेज रिसीव होता है कि करोड़पति से मैसेज आए तो वो टेम्पटिंग उन लोगों के लिए होगा। ये आप लोग को भी पता है, ये मुझे भी पता है, क्योंकि अगर हम लोग जब छोटे थे हमारी मैंटेलिटी वैसे थी, वाह मुझे इतने पैसे मिल गए, तो ऐसी ही बात है कुछ। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ ये मैसेज क्या आया था, तो चलिए इस मैसेज को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे, अगर यहाँ पे आप लोग को लिखा रहेगा कौन बनेगा महान करोड़पति, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद आता है KBC लकी ड्रॉ विनर, तो यहाँ पे विनर नहीं विनर, तो ये कौन से लैंग्वेज में लिखा है मुझे पता नहीं, और KBC का KBC, के कैपिटल लेटर और BC जो है स्मॉल लेटर में लिखा गया, जो कि लकी ड्रॉ विनर है, ये भी रॉन्ग दोस्तों। तो ये इंग्लिश रॉन्ग, यहाँ पे फुल्ली इंग्लिश जो है कम्प्लीटली रॉन्ग है। तो दोस्तों दूसरा लाइन जो है यहाँ पे मोबाइल विनर 2019, वो 2019 में अगर आप गौर करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि वो ओवरलैप किया गया है, वो अभी फिलहाल एडिटिंग किया गया है, वो कभी लीफलेट नहीं है। उसके बाद की एरर्स मैं आप लोगों को बताता हूँ।
विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट कोई वर्ड नहीं होता, ये विदाउट होता है, ये कोई प्रोफेशनलिज्म की कोई कुछ भी हाइट ही नहीं है इसकी, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। इतनी ख़राब इसकी इंग्लिश वगैरह, जो रिटर्न लिखते हैं इंग्लिश में उस पर कोई भी ग्रामेटिकल लॉजिक ही नहीं है, यहाँ पे सब कुछ गलत लिखा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं ये कैसे टारगेट करते हैं और किस लेवल के लोग हैं ये। और यहाँ पे बाइंग कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्रॉम बाइंग कस्टमर, मुझे पता नहीं क्या है, CUSTMOT नहीं पता यार। तो ये कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि है लेटर पैड डॉक्यूमेंट, ओके समझ में आया मुझे। उसके बाद का लाइन भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, कौन बनेगा करोड़पति, महान करोड़पति सीजन 2019, कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे पता नहीं ये क्या लॉजिक पे बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दा मैं आप लोग बताऊँ। डियर KBC कस्टमर, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव वोन द प्राइज मनी ऑफ 25 lakhs इन KBC कौन बनेगा महान करोड़पति विनर इन 2019। योर कैश प्राइज बाई फॉलोइंग कंपनी रूल्स। रूल नंबर 1, डोंट से एनीवन अबाउट योर कैश प्राइस। वाओ, ये लॉजिक ही चेंज कर दिया भाई, किसी को बोलना ही मत कि आपको प्राइस जीता हुआ है। तो मतलब एक कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको, आप सोचिए। नंबर 2, स्टे कनेक्टेड विद आवर ऑफिसर्स। ओके, मैं अभी ऑफिसर्स को रात भर फ़ोन करूंगा, हेलो बेबी कैसे हो, ऐसा मतलब मुझे बोलना है या फिर कनेक्शन मैसेज देना है, ओके कैसे हो, ठीक हो वगैरह वगैरह। ओके, ऑलवेज स्टे कनेक्टेड, याद रखिए भाई। नंबर 3 जो है, यहाँ पे लिखा गया है कि फॉलो आवर ऑफिसर्स इंस्ट्रक्शन। ओके, वो मुझे बोलेंगे कुआ है सामने, वहाँ पे जाकर कूद दो, मुझे कूदना पड़ेगा तभी मुझे जाके 25 lakh rupees जो वो मिलेंगे। वाओ, अमेजिंग। उसके बाद आता है मेन चीज़, यहाँ पे लॉटरी नंबर दिया हुआ है। लॉटरी नंबर के सामने अमिताभ बच्चन खड़े हैं, ऊपर जियो का लोगो है, नीचे करोड़पति का लोगो और साइड में सोनी का लोगो है। वाह, इतने सारे स्पॉन्सर्स, वाह कहाँ से मिलते हैं मुझे पता नहीं। अमिताभ बच्चन सर ने भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। वाह, इन लोगों को राइट्स कहाँ से मिलती है यार ये सब करने की। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो डियर KBC कस्टमर, कंग्रेचुलेशन, KBC क्रैश प्राइज ऑफिसर का नाम है राणा प्रताप सिंह, ओके कॉन्टेक्ट अस। वो नंबर जो है इतना बड़ा नंबर है ना, इसको अगर आप सेपरेट करते हो तो अब मैं काउंट करूंगा अभी, वेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डिजिट का व्हाट्सएप नंबर है दोस्त। सोचिए आप, 14 डिजिट का व्हाट्सएप नंबर है और नीचे लिखा गया कि हेड ऑफिस है मुंबई, और उसके बाद फिर से एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, वही वाला नंबर लेकिन इस पे थोड़ा चेंज है। तो ये नंबर भी अभी फिलहाल अपडेट किया गया है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये नया नंबर, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके आपको क्या करना पड़ेगा, जो है आपकी ऑफिसर्स है, जो कि ऑफिसर्स है जिनके साथ आपको कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, और कांटेक्ट में रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैट करना पड़ेगा या फिर कॉल करना पड़ेगा। और इंस्ट्रक्शन किसी को बताना नहीं है कि आपने प्राइस जीता है। वाह, ठीक है। और इसकी KBC मेन हेड ऑफिस कहाँ पर है, KBC करोड़पति 2019 जो मुंबई में है, और नीचे और स्पॉन्सर है भाई, एयरटेल, वोडाफोन, टाटा डोकोमो, ये क्या है भाई, आइडिया, एयरसेल बंद हो चुका है फिर भी स्पॉन्सर है भाई, काम कर रहे हैं वो इन बैकग्राउंड। अभी कॉल करें और लॉटरी का पैसा उठाए या व्हाट्सएप करें। वाह, ठीक है। तो चलो भाई ये ऑडियो सुन लेते हैं। तो दोस्तों इस ऑडियो को आप सुनिए, इस ऑडियो को सुनने के बाद मैं अपनी जो बात है वो आप लोग को कहूँगा कि क्या ये सब कैसे ये करते हैं और क्या इनकी मोटिव है। ओके, तो चलो इस ऑडियो को स्टार्ट करते हैं। सर मैं व्हाट्सएप की तरफ से बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप के हेड ऑफिस से, व्हाट्सएप की तरफ से मैंने कॉल की है, व्हाट्सएप कस्टमर ऑफिसर बात कर रहा हूँ न्यू दिल्ली से। आप जो अपने मोबाइल सेल के अंदर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, इसी व्हाट्सएप के नंबर पे आपका लॉटरी लगा है, प्राइज लगा है 25 lakh का व्हाट्सएप की तरफ से। सर ये व्हाट्सएप की तरफ से आपका प्राइज विन हो चुका है। मैं आपको बताता चलूँ कि लॉटरी कैसे लगी है। सर ये इंटरनेशनल लकी ड्रॉ किया गया था 5 मुल्कों का, जैसे इंडिया, नेपाल, दुबई, जुनान और सऊदी अरब, इन 5 मुल्कों का लकी ड्रॉ किया गया था, जिसमें आपका नंबर इंडो रीजन में पहले नंबर पे व्हाट्सएप का नंबर 25 lakh का लॉटरी विन कर चुका है। ये 25 lakh का लॉटरी हासिल करने के लिए ये जो आपको ये आपका लॉटरी है ये पहुंच गया मुंबई के अंदर, मुंबई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में,
वो ये जो मैंने आपको चेक लेटर सेंड किया है इसके ऊपर आप देख लें, ये बैंक मैनेजर का नंबर है जो आपसे मुंबई से बात करेंगे, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, जिन्होंने आपका 25 लाख का लॉटरी आपको रिसीव करवाना है और बताना है कि लॉटरी किस तरीके से मिलेगी और कैसे मिलेगी। ये बैंक वाले का नंबर आपको सेंड कर दिया है, इस नंबर को आपने व्हाट्सएप में ऐड करना है, सेव करना है और व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करना है। इनको बोलना कि 25 लाख की लॉटरी लगी है, लॉटरी कैसे मिलेगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन सारी जानकारी देंगे। ये मुंबई से बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, इन्होंने आपका पैसा आपको देना है। इस नंबर को सिर्फ आपने व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करना है, डायरेक्ट कॉल नहीं कर पाएंगे क्योंकि लॉटरी व्हाट्सएप पे लगी तो व्हाट्सएप से ही कॉल करनी है आपने। व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करें, अगर आपसे ये लॉटरी नंबर पूछे तो ये ऊपर लॉटरी नंबर लिखा हुआ है, ये लॉटरी नंबर आपने इनको बता देना है। तो अभी आप जल्दी से व्हाट्सएप में ऐड करके कॉल कर लें, बैंक वाले आपका वेट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वीचिंग फॉर व्हाट्सएप। तो थोड़ी सी एडुकेशन आप शेयर कीजिए, बात कीजिए इन सब के बारे में, अवेयरनेस कैसे आता है, कैसे स्कैम काम करता है और कैसे ये सब होता है। उतनी टेक्निकली जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपनी जो लैंग्वेज है उसके अंदर आप समझाइए। तो मैं समझता हूँ इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरे घर में भी ऐसी सिचुएशन आई थी, एक स्कॉर्पियो कार के लिए मुझे मतलब घर में इतने कॉल्स आते थे कि आप बोल नहीं सकते कि होम शॉप 18 से आपने ये सामान खरीदा था। हाँ ज़रूर खरीदा था वो सामान, और वहाँ पे आप लोग को लॉटरी प्राइस के अंदर ये जीता है, आपका नाम ये है, आपका एड्रेस ये सब कुछ वो जानते हैं यार, सब कुछ वो जानते हैं। तो आपको मैनिपुलेट करने में उन लोगों को बहुत ही आसानी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, आप एडुकेट कीजिए आपके पेरेंट्स को। तो आशा करता हूँ ये वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोग को जानना इसके बारे में, और इन सब से कैसे बचना वो सबसे बड़ी बात है। तो आशा करूँगा कि आप लोग आपकी जो बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं जो नहीं जानते ये सब, उन लोग को सिखाएंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आप लोगों ने ऐसा कंडीशन जो है फेस किया है और इसको टैकल भी किया है, और अगर अच्छा लगता है ये वीडियो तो लाइक बटन जो प्रेस कर दीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो भी प्रेस कर दीजिएगा, और साइड में उसके घंटी होता है घंटी भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब भी मैं ऐसी कंटेंट अपलोड करूँ आपके मोबाइल में डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुँच जाए। But till then, have a great day ahead. Stay alert, stay safe. See ya.